दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान नई भर्ती 2022 के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपका जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। चलिए फटाफट से पूरी जानकारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की देखते हैं, कितनी वैकेंसी है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। साथ ही दोस्तों नोटिफिकेशन के साथ ही आपके इसके लिए फॉरम भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों फुल नोटिफिकेशन देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन, दुरीना ऐप के ऊपर आपको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान के कोर्सेज पर आया है आकर्षक ऑफर, जैसे पीटीईटी राजस्थान जीके, वन पाल, वन रक्षक, इसी के साथ ही पशुधन सहायक, सभी कोर्सेज पर आपको 20 मई रात 12 बजे तक भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जल्दी जाके आप अपने मन चाहे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अब आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से 20 मई अभी अभी आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसके अंदर क्या जानकारी है, कौन सी भर्ती है, तो पुस्तकालय ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2022। सबसे पहले वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी आपकी 460 रखी गई है। तो ठीक ठाक आपकी वैकेंसी है, 460 में से गैर अनुसूचित क्षेत्र की 394 है और अनुसूचित क्षेत्र की 66 वैकेंसी आपकी रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन है वो भी आपके ऑनलाइन ही आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आपकी SSOID में है, ठीक है, SSO.rajasthan.gov.in से आप इसमें लॉग इन करके इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या इसके अलावा आप RSMSSB.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी दी गई है। आवेदन शुल्क आपका दोस्तों 450 रुपए रखा गया है, राजस्थान की सभी भर्तियों में होता है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद में वैकेंसी की लिस्ट आप देख लीजिए, अलग अलग यहां पे जो आपकी पोस्ट है, अलग अलग जो आपके जिले हैं उसके लिए कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी बता दी गई है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कितनी वैकेंसी रखी गई है, टोटल देख लीजिए, यहां पे 394 वैकेंसी है, ये भी बताया गया है। तो यहां पे जिलेवार वैकेंसी की लिस्ट भी आपकी आ ही गई है। अब दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी गई है। तो ये आप देखते हैं, सीनियर सेकेंडरी, साथ ही सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, ये आपके लिए इसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। तो 12वीं के साथ ही आपका ये बताया गया है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रीयता, तो सभी विद्यार्थी, पूरे देश के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए दोस्तों, 18 वर्ष से 40 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है, ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है और आयु में छूट की जानकारी भी अदर कैटेगरीज के लिए नीचे दी गई है। इसके बाद में दोस्तों पेंशन और वेतनमान की बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको वेतन की मिल जाएगी। दोस्तों इस फुल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट statejobline.com पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके भर्ती की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।